पूनम्स किचन में आज बन रहे हैं गुड़ वाले चावल। इंस्टेंट पॉट रेसिपी है और चावल को आप क्लोजअप में देखिए, इसका एक एक दाना खिला खिला है। गुड़ वाले चावल बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को यही आती है कि चावल का दाना चिपका चिपका बनता है। आप सिर्फ सरफेस के चावल देख रहे हैं, ये पलट कर भी देख लीजिए नीचे से भी। चावल का हर दाना मॉइस्ट है लेकिन चिपचिपा नहीं है, बढ़िया सा कलर आया है, गोल्डन कलर। बहुत हेल्दी रेसिपी है ये विंटर्स के लिए। चलिए इंस्टेंट पॉट में बनाते हैं गुड़ वाले चावल। एक कप बासमती चावल वजन में है 200 ग्राम। इन्हें पहले धोना है, थोड़ा पानी डालकर इन्हें अच्छी तरह से उंगलियों से मसल लेंगे ताकि कोई भी अगर गंध होगा दाने के ऊपर तो वह निकल जाएगा। देखिए जो गंदा पानी है इसे फेंक दूंगी और इसी तरह से 2 से 3 बार और धो लूंगी। इस तरह धोने से चावल की थोड़ी सी स्टार्च भी कम हो जाती है। अब ये धुले हुए चावल को हमने पानी में भिगो कर रखना है सिर्फ 15 मिनट के लिए। जितनी देर चावल भीगता है उतनी ही देर में हम गुड़ को भी पिघला लेंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ हल्का गर्म पानी। 1 कप चावल के लिए 1.25 कप पानी ले लीजिए। मिलीलीटर में देखें तो 420 मिलीलीटर। इतने पानी में हम डालेंगे 1 कप बारीक कटा हुआ गुड़। छोटा छोटा काट के रखा है ताकि फटाफट से घुल जाएगा। आप चाहें तो बेशक गुड़ को कद्दूकस कर लें। गुड़ को पानी में डालकर एक बार चम्मच से हिला दूंगी ताकि फटाफट से घुल जाए। मैंने यहाँ सारी मेजरमेंट्स मेजरिंग कप से करी हैं। आप चाहें तो घर की कोई भी कटोरी ले लें, कप ले लें, बस रेशो का ध्यान रखें। 1 कप चावल है तो उसके लिए 1 कप ही गुड़ रहेगा और 1.25 कप पानी। चावल बनाने के लिए इंस्टेंट पॉट को प्लग इन कर दिया है। इसमें मैं प्रेस करूँगी सॉटे बटन नॉर्मल सेटिंग पर। अभी ये 28 मिनट का टाइम दिखा रहा है, उसकी चिंता मत करिए। हमने 5-6 मिनट के लिए ही सॉटे करना है, उसके बाद सॉटे को कैंसिल कर देंगे। अब देखिए कुछ ही सेकंड्स में ये ऑन का डिस्प्ले आ गया है। मैं इंस्टेंट पॉट के बोल में डालूंगी 4 बड़े चम्मच घी। जितनी देर में चावल भीग रहा था मैंने कुछ ड्राई फ्रूट काट कर रख लिया है, 8-10 दाने बादाम के और उतने ही काजू के। इन्हें डाल दूंगी घी में। मैंने 4-5 दाने काजू के आधे आधे करके रख लिए हैं। जब हम सर्व करते हैं तो ये गार्निश में बड़े अच्छे लगते हैं। ये भी घी में डाल देती हूँ। अब इन सबको इकट्ठे सॉटे कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी ड्राई फ्रूट जले नहीं। इंस्टेंट पॉट ऑन करने के बाद मैंने चावल को भी छान लिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वह निकल जाएगा। ड्राई फ्रूट को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर ये छने हुए चावल भी इसी में डाल देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए चावल को भी भून लेंगे। तो शुरू में तो ये जो एक्स्ट्रा पानी गया है चावल का वह सूख जाएगा और फिर उसके बाद चावल भुनेगा। टोटल 2 से 3 मिनट इसे बराबर चलाते हुए भून लूंगी ताकि चावल का दाना बोल में नीचे चिपके नहीं। इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच किशमिश। मीठे चावल में ड्राई फ्रूट डालना या घी में बनाना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो तेल में बना लें और ड्राई फ्रूट बिल्कुल ना डालें, लेकिन जब आप घी और ड्राई फ्रूट डालते हैं ना मीठे चावल में उसका अलग ही स्वाद आता है। और साथ में मैं डालने लगी हूँ सूखा नारियल, पतले पतले स्लाइसेस काट लिए हैं। ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं मीठे चावल में। इन्हें भी बस चावल के साथ ही भून लूँगी। अभी इस टाइम घी और फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट की जो इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है ना, साथ में बासमती चावल भुनते हुए, लाजवाब। चावल में फ्लेवर्स को और नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं इलायची पाउडर से। 1/3 छोटा चम्मच डाल रही हूँ। इसे भी चावल के साथ करेंगे मिक्स। अब हमारे चावल भुन गए हैं बढ़िया से। इसमें डालूंगी कुछ धागे केसर के और साथ में गुड़ जो कि अब घुल चुका है पानी में, इसे अब छान के डाल दूंगी। अगर गुड़ में बाय चांस कोई गंदगी होगी तो वह सब छन जाएगी, वह चावल में नहीं जाएगी। इस रेसिपी के लिए कोशिश करें कि आप डार्क कलर का गुड़ लें, क्योंकि एक बार चावल कुक हो जाता है तो उसके बाद गुड़ का कलर हल्का ही आता है चावलों में। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और अब इसकी लिड लगाते हैं। लिड लगाने से पहले इस चीज़ का ध्यान कर लें कि गैस्केट बराबर लगी हुई हो, अच्छे से अंदर दबी हुई हो। सब लिड बंद करके प्रेशर हैंडल को करते हैं सीलिंग पोजिशन पर और अब वापस आते हैं इसकी डिस्प्ले सेटिंग पर। अब सॉटे मोड को करेंगे कैंसिल। हमने चावल को कुक करना है अंडर प्रेशर, तो दबाते हैं प्रेशर कुक। टाइम को सेट करेंगे 6 मिनट पर। प्रेशर लेवल हाई रखेंगे और नॉर्मल हीट सेटिंग। अब कुछ ही सेकंड्स में देखिए ऑन का डिस्प्ले भी आ गया, यानी कि प्रेशर कुक वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। गुड़ वाले चावल गैस स्टोव पर कैसे बनाएं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जब इंस्टेंट पॉट में प्रेशर बराबर बिल्ड हो जाता है तो ये फ्लोट वॉल ऊपर आ जाता है, ये देखिए ऐसे। अब 6 मिनट का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। अभी 6 मिनट में से बस ये भी लास्ट 1 मिनट पर है, ये भी देखिए अब 0 पर आ गया है।
तो प्रेशर कुक का प्रोग्राम हो गया है ख़त्म और सिस्टम चला गया है कीप वार्म पर, लेकिन हमें राइस को कीप वार्म पर नहीं डालना है, तो मैं प्रोग्राम को कर रही हूँ कैंसिल। इंस्टेंट पॉट ऑफ है। अभी 10 मिनट के लिए चावल अपने प्रेशर में ही पड़े रहे। 10 मिनट के बाद हम इसका प्रेशर निकाल देंगे। इस प्रेशर हैंड को कर देंगे पेंटिंग पोजिशन पर। प्रेशर निकलने पर फ्लोट वॉल भी नीचे गिर जाएगी, ड्रॉप करेगी, देखा आपने। इंस्टेंट पॉट की लिड निकालते हैं, एक दो मिनट का ब्रेक लेंगे, ये ऊपर से स्टीम निकल जाए। और अभी आप ये क्लोजअप में देखिए चावल, एक एक दाना है इसका खिला खिला, बिल्कुल जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था। चावल का कलर भी देखिए, हमने अभी काफ़ी डार्क कलर का गोल्ड डाला था, तो जैसे मैंने कहा कि हल्का पड़ जाता है, पर अभी भी जो कलर आया है वह बढ़िया गोल्डन सा कलर आया है, बिल्कुल रॉयल मीठा है ये। गुड़ वाले चावल को अगर आप गैस स्टोव पर पैन में बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। मीठे चावल का बेस्ट टेस्ट है गर्मा गर्म, तो एंजॉय करें। अब सर्दियों में जब भी मन करे मीठा खाने का तो फटाफट से बनाएं ये गुड़ वाले चावल। इसमें डला हुआ है गुड़, घी और ड्राई फ्रूट, जो कि आपके लिए बहुत हेल्दी है विंटर्स में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकॉन याद से क्लिक कीजिएगा ताकि मैं आगे जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। रेसिपी ट्राई करें तो इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा, मेरा इंस्टा हैंडल है पूनम्स किचन। अभी के लिए है बाय, आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।